संसद भवन में जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा को भारत सरकार के नेतृत्व में हटाया गया है और ये पूरे देश और दुनिया के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा आघात किया है, क्योंकि ये प्रतिमा 1966 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के लाखों लोग जो जेल में गए थे बीपी मौर्य के नेतृत्व में, रिपब्लिकन के नेताओं के नेतृत्व में, समता सेंधल के लाखों जवानों के नेतृत्व में प्रतिमा लगी थी, उस प्रतिमा को जो हटाने का काम किया है उसके खिलाफ में हमने पूरे देश और दुनिया में कॉल किए समता सेंधल के द्वारा, और भी हमारे तमाम संगठन मिलकर के आज ये जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन है, वापस वहीं बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित हो, भारत सरकार सम्मान के साथ नए संसद में भी प्रतिमा लगाने का काम करे, ये हमारी मांग है। और पूरे भारत के अंदर में आज से आंदोलन शुरू हो चुका है, हम लोग जिला से लेके गांव से लेके पूरे देश और प्रदेशों में समता सेंधल के जांबाज कमांडर इसको आह्वान कर रहे हैं और पूरे दुनिया के लोग इस लोकतंत्र को जो भारत की सरकार खत्म करने सरकार की गलत मंशा है उसको हटाने, पूरी गलत मंशा है सरकार की, मंशा ही नहीं ये पूरे लोकतंत्र को नष्ट करना चाहती है, भारतीय संविधान को खत्म करना चाहते हैं, तानाशाही स्थापित करना चाहते हैं, पूंजीवाद को स्थापित करना चाहते हैं, चंद पूंजीपतियों के साथ हाथ में ये पूरे सिस्टम को देना चाहते हैं जो बाबा साहब अंबेडकर ने लोकतंत्र कायम किया, संविधान निर्माण करने का काम किया। हमारी ये मांग है कि उन बाबा साहब की प्रतिमा दोनों संसद के अंदर में गरिमापूर्ण तरीका से लगाई जाए, ऐसा हमारा मांग है। और कहा जा रहा निर्माण कार्य चल रहा है इस वजह से हटाए गए, ये सब झूठ है, बकवास है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आजादी से लेकर के और आजादी से पहले तक का जो 2000 का काल था उसको अकेले दम पर लोकतंत्र में कायम कर दिया, ऐसा कोई किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है कि इन महापुरुषों की प्रतिमा हटाई जाए। तो कहा जा रहा अकेले बाबा साहब की नहीं हटाएगी, वहां से महात्मा गांधी की भी और तमाम मूर्ति हटाएगी, जितने महापुरुष की हटाएगी सभी लोकतंत्र के निर्माता हैं, सभी संसद और पूरे दुनिया के निर्माता हैं, हमारा सबके पक्ष में है ये बात कि वो प्रतिमा वहीं लगाई जाए। सरकार का पक्ष आ गया ना कि जब कार्य पूरा हो जाएगा तो लगा दी जाएगी, ये उनका पक्ष हो सकता है, परंतु समाज और देश के लोग इसके खिलाफ है, बिल्कुल हमारा विरोध है बहुत मजबूती के साथ। आप चाहते हैं वहाँ कार्य निर्माण कार्य ना हो, निर्माण कार्य इससे ज्यादा महान नहीं है बाबा साहब अंबेडकर और महान जिन्होंने देश का निर्माण किया है, संसद और लोकतंत्र का निर्माण किया है, उससे ज्यादा महान नहीं हो सकता किसी भी कीमत में, इसलिए पहले हमारे महापुरुषों की इस्तीमा वहाँ। सरकार पर विश्वास नहीं है आप ऐसा, सरकार पर विश्वास हमारा उन मुद्दों पर नहीं है जो मुद्दे पूरे देश के अंदर में लोकतंत्र के खिलाफ में जा रहे हैं, संविधान के खिलाफ में जा रहे हैं, जितने भी कदम इन लोगों के रख रहे हैं सरकार में बैठे लोगों के, वो पूंजीपतियों के पक्ष में है, वो लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। उमेश जी सरकार नहीं लगाती है दोबारा से वहाँ प्रतिमा तो फिर क्या करेगा सब, ऐसी कोई ताकत नहीं कि दुनिया के लोग लाखों करोड़ों लोग जब रोड पर खड़े हो जाएंगे तो ये तमाम चीजें करने में मजबूर होना होगा इन लोगों को। सरकार तो बाबा साहब के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं तो आखिर मूर्ति नहीं है, ऐसा है ढोंगी भी व्यक्ति बहुत सारा नाटक करते हैं, पर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के असली मानने वाले लोग हैं वो इस पहचानते हैं, समझते हैं हर बात को, ठीक है नहीं। बीजेपी कहती है हमने बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थल बनवा दिए हैं, नहीं वो क्या कहते हैं वो जाने, परंतु सच ये है कि उन्होंने बाबा साहब की प्रतिमा को हटाया, महापुरुषों की प्रतिमा हटाया, और ये प्रतिमा हटाने का जो काम किया है ये लोकतंत्र के खिलाफ है। बाबा साहब के मानने वाले अरबों खरबों लोग दुनिया में हैं, तमाम दुनिया के लोग खड़े हो जाएंगे इसके लिए और सबने तैयारी कर दी है, ठीक है। ये जो हजारों लोग आए हैं जंतर मंतर से कोई संदेश जाएगा सरकार को, कोई असर पड़ेगा सरकार को? बिल्कुल असर पड़ता है, पहली चोट का भी असर होता है, हजारों चोटों का भी असर होता है, विज्ञान का नियम है, ये हमारी पहली चोट पूरे देश और दुनिया के बीच में यहाँ से संदेश है कि ये सरकार जो आरएसएस की सरकार है, विषमतावादियों की सरकार है, मनुवादियों की सरकार है, यहाँ हमें समतावादी सिस्टम कायम करना है और इन लोगों को किसी भी कीमत में अपने मंसूबे पूरे नहीं करने दिए जाएंगे। सर जो सामाजिक संगठन है वो तो आवाज उठा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, लेकिन राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक पार्टियों के लीडरों को भी मजबूर करेंगे कि वो भारत के संसद में आवाज उठाएं और समाज के लोग पूरे देश में आवाज उठाएं। समता सेंधल ने